Hello friends, welcome to MRK Mechanical. In this video talking about full chapter of grinding. तो ये जो chapter है वो production में आता है, ठीक है. ये video number 2 है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा video number 2 है. तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं. इसमें बहुत ही ज़्यादा important है ये. तो जिसको भी production complete करना है वो यहाँ से complete कर सकते हैं. मैं video number लेके आता रहूँगा. जैसे ये 2 number है, वो इसके बाद 3 number आएगा, फिर 4 number आएगा, इस तरीके से आएंगे, ठीक है. आगे देखते हैं. तो ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ESE एग्जामिनेशन के लिए. जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं, ESE आता है, SSC JEE, ISRO, स्टेट JEE, PSU, IOCL, SPCL, विजाग स्टील या NFL, इस तरीके के एग्जामिनेशन आते हैं, ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. तो इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे भाई, देखो पहले आप एक बार देख लीजिए, ठीक है. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर करेंगे. ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ग्राइंडिंग का चैप्टर देख के या फिर ग्राइंडिंग टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है. प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इसके जो स्पेसिफिकेशन पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे. व्हाट इज़ ग्राइंडिंग, क्या होता है, एब्रेसिव मटेरियल क्या होते हैं, फिर इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है. उसके बाद फिर व्हाट इज़ ग्रिट, ग्रिट नंबर देखेंगे, व्हाट इज़ ग्रेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर देखेंगे. उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट इज़ बॉन्ड एंड ग्राइंडिंग रेशियो, ग्लेजिंग, ट्रोइंग, ड्रेसिंग एंड बैलेंसिंग. उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो लगभग मैंने इसमें 50+ क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ठीक है. ये 50+ क्वेश्चन मैंने आपको करवाऊंगा इसमें वीडियो में, तो आपको पूरा देखना. मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया है इसमें क्वेश्चन आंसर, जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पे फोकस किया है, क्वेश्चन आंसर पे. तो देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा. आपको सीखने के लिए आपका बेस्ट कंटेंट मैंने तैयार किया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, उसके बाद फिर लाइक कर देना वीडियो को, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चलिए तो देखो भाई क्या है ये. तो सबसे पहले मैं ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है. ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन क्या है वो देखिए. तो सबसे पहले यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एक ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है. अब ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये नंबर दिख रहे हैं ना, ये A46MV, ठीक है. ये नंबर होता है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन में. उसके बाद देखिए, तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन होता है. देखिए यहाँ पे जो एक ग्राइंडिंग व्हील होगा उस पर ये नंबर लिखा होगा कुछ भी, ठीक है. मैंने ये पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से एक कंप्लीट चैप्टर इसमें मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है. पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा. तो देखो यहाँ पर ये कोई नंबर है, तो ये कितने नंबर का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर का नहीं होता, 7 नंबर का होता है, ठीक है. तो हम समझेंगे इसको कि होता क्या है ये एक्चुअल में, ठीक है. एक्चुअल में समझेंगे, उसके बाद मैं क्लियर करूँगा इसको. आगे देखते हैं, आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो. पहले क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, देखो क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट डज़ वी रिप्रेजेंट इन दिस कन्वेंशनल एब्रेसिव व्हील गिवन बाय 51A60K5V05. आपको दिख रहा है, तो देखिए ये आपका एक कोड दे रखा है, 51A60K5V05 दे रखा है ना. इसमें आपको वी डिनोट करवा रहा है कि वी है क्या एक्चुअल में. तो जो वी है ना वो क्या है, वो है बॉन्ड टाइप, ठीक है, बॉन्ड टाइप है. अब इसको कैसे समझेंगे भाई, क्या है ये, क्या सिस्टम है इसका भाई, ये कोड दे रखा है, इसको हम कैसे समझेंगे. तो देखो इस कोड को समझने के लिए आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है. आपको मैं बता रहा हूँ पूरे एक एग्जांपल लेके, ठीक है, परेशान मत होना, पूरा क्लियर होगा आपको अच्छी तरीके से. तो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये कोड ले लिया मैंने, ठीक है. अब सबसे पहले इस कोड को, ये सेम कोड नहीं आएगा, ठीक है, अलग अलग कोड आते हैं. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस टाइप का कोड आएगा, आपको पूछा जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देखेंगे कितने नंबर हैं, कितने नंबर का कोड है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपको 7 नंबर का कोड भी दे सकता है, वो 6 नंबर का भी दे सकता है, 5 नंबर का भी दे सकता है. तो आपको कोड पहले पता होना चाहिए कि वो टोटल जो होता है ना वो 7 नंबर्स का होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 7 नंबर्स का होता है कोड. तो ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मैंने आपको लिख रखा है इस तरीके से समझाने के लिए. अब इसको मैं वर्टिकल कंडीशन में लिख रहा हूँ, ठीक है. एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है, और समझिए. एक बार क्लियर कर लोगे फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स भी बना लेना साथ में, ठीक है. तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो है ना 51 को मैंने ऐसे लिखा है, फिर ए को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन में लिख रखा है. तो 51 जो है ना वो क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है. ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल, ठीक है,
जैसे कोई कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका सिंबल बना रखते हैं, तो एक कोड दे देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ए देखिए, ए है क्या, ए है एब्रेसिव टाइप, ठीक है। ए एब्रेसिव टाइप है, इसको अभी समझेंगे, डोंट वरी, आप बस परेशान मत होना, एक बार देख लो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 क्या है, 36 देखिए, 36 जो है ना वो ग्रिट है, ग्रिट मतलब एब्रेसिव ग्रेन साइज, ठीक है। एक एक चीज़ समझेंगे बाद में, अभी फुल देखेंगे। तो यहाँ आपके बाद एल देखो, इसके बाद एल क्या है, ग्रेड, ग्रेड मतलब होता है हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो फाइव दे रखा है वो फाइव क्या है, फाइव स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर को भी समझेंगे आगे। वी है वो बॉन्ड टाइप है, ठीक है। इसके बाद देखिए 23 है लास्ट में, वो है क्या, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो कुल मिला के 7 नंबर्स होता है, 7 नंबर का पूरा कैसे अरेंजमेंट होता है वो आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ठीक है, पूरा वीडियो देख लें, ठीक है, पूरा क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इसमें। इसमें क्या है, आपको 5 नंबर हमेशा तैयार करके रखने हैं, ये 5 नंबर है ना बीच वाले, ठीक है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता होंगे, लास्ट पहले वाले और लास्ट वाले तो कंपनी का रिकॉर्ड या मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अगर 6 नंबर आ जाए तो समझ लेना, ठीक है, कैसे क्या है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, होता क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पहले वाला अंक है उसको छोड़ दो और लास्ट वाले को छोड़ दो, बीच में 5 अंकों को आपको नंबर्स हैं उसको याद कर लेना है। सबसे पहले होता है ए एब्रेसिव होता है, फिर होता है ग्रिट, फिर होता है ग्रेड्स स्ट्रक्चर बॉन्ड, समझ गए, एब्रेसिव ग्रिट ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड होता है, ठीक है। कैसे करोगे, एब्रेसिव देखो, एब्रेसिव ग्रिट, उसके बाद ग्रे, उसके बाद देखिए ग्रेड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर हो गया, फिर बॉन्ड हो गया, फिर लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हो गया, वो बात अलग है। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या है, ठीक है, आगे समझिए इसको, अब मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वो देखिए, यहाँ देखिए जैसे 50 दे रखा है, फिर ए दे रखा है 53, एम 6, वी 24, तो आप सबसे पहले देखोगे कितने नंबर हैं, ये देखने हैं आपको। तो देखेंगे भाई हम कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने बताया था कि 7 नंबर होंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो 7 नंबर में से अब क्या क्या डिनोट करा है, ये 50 है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल है। ए हो गया आपका क्या है, एब्रेसिव टाइप, 53 क्या होगा, ग्रेन साइज, एम क्या होगा, ग्रेड, और 6 होगा स्ट्रक्चर, और वी हो गया टाइप ऑफ बॉन्ड, और 24 होगा मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड नंबर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये 5 नंबर हैं वो तैयार करने हैं, बाकी फर्स्ट वाला लास्ट वाला है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सिंबल और मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पे ध्यान दिया है आपको, क्वेश्चन भी करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, इन ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विद A48L7V25, तो व्हाट डज एल रेफर्स टू, तो एल क्या रेफर्स कर रहा है वो आपको बताना है, क्या होगा भाई, देखो एल क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि कोड कितने नंबर का है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर का है। तो याद रखना कि पहला और लास्ट का वो अंक होता है, ठीक है, नंबर्स होते हैं पहले और लास्ट का, ठीक है। तो अब पहला नंबर तो दे नहीं रखा है, ठीक है, वो दे नहीं रखा है, तो एब्रेसिव ग्रेट ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, और 25 कंपनी रिकॉर्ड, तो एल पूछ रहा है, तो एब्रेसिव ग्रेट ग्रेड, तो ग्रेड होगा मतलब व्हील हार्डनेस होगा, ठीक है, व्हील हार्डनेस मतलब व्हील की कठोरता होगी, ठीक है। आपको कोड एक बार कॉपी में लिख लेना, जो मैंने ऊपर बताया है उस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, UP RVNL JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन मैं सारे लेकर आया हूँ, ठीक है, पूरे करना, ठीक है। इसमें देखो, एक ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड C70G7R23H C stand for, तो आपको C बताना है इस कोड में। तो पहले हम कोड देखेंगे कितने नंबर का, ये कोड देखो पहले कितने नंबर का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पहले वाला अंक छोड़ रखा है उन्होंने, जो नंबर का होता है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है वो छोड़ रखा है। तो सी, अब इसमें पूछा सी क्या है, तो सी भाई क्या है, एब्रेसिव होगा, ठीक है। अब एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें जो सिलिकॉन कार्बाइड है, सी फॉर सिलिकॉन कार्बाइड होगा, ठीक है, बी होगा सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये भी एब्रेसिव, अभी पढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, RRB में आए हुए हैं, SSC JEE में, देखो ये SSC JEE RRB JEE में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो, द मार्किंग ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील 51A36L5V93, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको 36 बताना है। तो सबसे पहले कोड देखेंगे भाई, कोड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा कोड दे रखा है,
तो हमें इसमें से बीच में पांच अंक के बारे में ही पूछेगा, पांच जो बीच में होंगे फाइव वो उसके बारे में पूछेगा। तो एल पूछा है, तो एल पूछा है तो भाई देखो एल पूछा है तो क्या होगा, एब्रेसिव ग्रेड ग्रेड्स, ग्रेड्स होगा मतलब हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्रेड्स हो गए, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फुल एक्सप्लेनेशन एबव क्वेश्चन, तो फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप यहाँ पे पूरा समझ सकते हो, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि 51 प्रेफिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होगा, एब्रेसिव मटेरियल ए होगा, ग्रिड साइज होगा 36, ग्रिड्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होगा एल, और स्ट्रक्चर होगा फाइव, और वी होगा बॉन्ड ऑफ कंपनी रिकॉर्ड होगा 93। तो पूरा जे जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर ठीक है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन मैंने आपको नीचे दे रखा है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, और अधिक समझने के लिए आप आगे देखें प्लीज़। तो देखो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, व्हाट इज़ ग्राइंडिंग। देखिए अब देखेंगे हम ग्राइंडिंग क्या होता है, तो ग्राइंडिंग को समझने के लिए पहले आपको ग्राइंडिंग व्हील देखना होगा। ग्राइंडिंग व्हील है क्या, देखो ये जो दिख रहे हैं ना ये, ठीक है ये ग्राइंडिंग व्हील है और अलग अलग एब्रेसिव मटेरियल के बने हुए हैं ये। ठीक है आगे देखते हैं, आगे है क्या आपको फिगर से मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राइंडिंग है क्या। देखिए ये ग्राइंडिंग व्हील है जो घूम रहा है, ठीक है ये ग्राइंडिंग व्हील है वो घूम रहा है, और इसके ऊपर आपको कोई भी कंपोनेंट है जिस पर आपको ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये फिनिशिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है किसी भी प्रोडक्ट को आपको फिनिशिंग करनी है तो ग्राइंडिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है तो अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन आप समझ गए होंगे, तो इसको समझने के लिए देखिए होता क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एक एब्रेसिव कड़ होते हैं, छोटे छोटे एब्रेसिव पॉइंट एक तरीके के, तो उसको मैंने आपको दिखा रखा है, ये जो पॉइंट है वो एक डिटेल में पूरा दिखाए रखा है। ठीक है ग्राइंडिंग में तो ये होते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग एज होती है, ये क्या होती है मल्टी पॉइंट कटिंग एज। ठीक है बहुत सारे मल्टी पॉइंट होते हैं छोटे 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 छोटे, वो क्या करते हैं इसको एक तरीके का खुरचते हैं, ठीक है या फिर क्लीन करते हैं, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है तो देखिए आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या होता है ये एक हायर पेयर होता है, क्या होता है क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, सरफेस कांटेक्ट नहीं बन रहा है। जिसने टोम पढ़ी होगी उसको पता होगा कि एक हायर पेयर बन रहा है। ठीक है आगे देखते हैं, तो ये छोटा सा फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है इसमें ग्राइंडिंग व्हील कैसे नोट दिखाया गया है और इसमें वर्क पीसेस के अगेंस्ट वो चल रहा है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं भाई ग्राइंडिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है भाई, देखिए ग्राइंडिंग इज ए मेटल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय मींस ऑफ रोटेटिंग एब्रेसिव टूल कॉल्ड ग्राइंडिंग व्हील। आगे देखिए सच व्हील आर मेड ऑफ फाइन ग्रेन्स, सच व्हील आर मेड ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्डिंग मटेरियल इज कॉल्ड बॉन्ड। तो जो भी एब्रेसिव मटेरियल हैं वो अगर जुड़े हुए हैं तो वो किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बॉन्ड क्या होता है, एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, वो मैंने इस तरीके से लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है, ग्राइंडिंग व्हील इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ग्राइंडिंग इज ए सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, याद रखना सर्फेस कटिंग ऑपरेशन नहीं है, वो सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशन में आते हैं ये, ठीक है ग्राइंडिंग। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, वीडियो को लाइक कर दे रहना। ठीक है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बन जाता है, वो क्या है, फॉर दिस ऑपरेशन हाई व्हील स्पीड आर नॉर्मली एम्प्लॉयड अप टू 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये इस तरीके से आता है, यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको वो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 75 मीटर मीटर पर मिनट होता है। ठीक है ये ऑपरेशन जो होता है ना ग्राइंडिंग व्हील का, वो नॉर्मली जो होता है 75 मीटर पर मिनट होता है। उसके बाद कुछ स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर स्पीड आपको दे, सरफेस स्पीड जो आपको दे रखी है वो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की, तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की जो स्पीड होती है वो 20 से 20 to 30 मीटर पर मिनट होती है। ठीक है ये होती है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए। और अगर मैं आपको बता दूँ सेंटरलेस ग्राइंडिंग की, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग की जो स्पीड होती है वो 60 मीटर पर मिनट होती है। ठीक है इस तरीके की स्पीड होती हैं, तो आपको क्लियरली आपको मेंशन मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है डोंट वरी, पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर लेना है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और मैं आपको बता दूँ, PDF का जो टारगेट है आपको मिलेगा, वो PDF का टारगेट जो मिलेगा वही 2000 लाइक का मिलेगा, ठीक है। 2000 लाइक का आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं PDF अपलोड करूँगा वहाँ पर, ठीक है। इससे पहले नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, पूरा कंटेंट बनाने में मेहनत करी है। देखिए आपको ये टाइपिंग सब दिख रही होगी, ठीक है। बाकी देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे एब्रेसिव मटेरियल। तो एब्रेसिव मटेरियल क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक ही चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। देखिए, एब्रेसिव इज सब्सटेंस लाइक दैट सैंड इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन इज इट इज़ टू टाइप, ठीक है। इट इज़ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं ये। तो एब्रेसिव जो होता है वो लाइक सैंड के बालू जो होती है उस टाइप का होता है, ठीक है, जो यूज़ होता है ग्राइंडिंग में और पॉलिशिंग में। तो आगे देखते हैं, ये जो एब्रेसिव हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव होता है, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल एब्रेसिव क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल एब्रेसिव देखेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा नेचुरल एब्रेसिव है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देखो, सबसे पहले होता है सैंडस्टोन, फिर होता है एमरी, कॉरंडम, डायमंड और गार्नेट, ठीक है। ये कुछ नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पाँच आते हैं, और भी होते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, फिगर से हम समझ सकते हैं कि सैंडस्टोन कैसा होता है और गार्नेट कैसा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सैंडस्टोन है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है वो सैंडस्टोन है, उसके बाद गार्नेट वाला जो है ना एब्रेसिव उस तरीके का आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमरी है, ठीक है, ये क्या है, एमरी है, ठीक है, एमरी है ये। और कॉरंडम का ये ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। डायमंड का भी इस तरीके का ही होता है, लेकिन डायमंड अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो डायमंड का ये आगे देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सैंडस्टोन, एमरी, कॉरंडम, डायमंड और गार्नेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये, अब आगे वाले जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव हैं वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते क्या हैं, देखो आर्टिफिशियल एब्रेसिव क्या होते हैं, आर मैन मेड, ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव आर मैन मेड एब्रेसिव, देयर इज़ ए क्वालिटी इज़ बेटर देन नेचुरल एब्रेसिव। तो ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं वो जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर देन नेचुरल एब्रेसिव से अच्छी होती है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये देखना है। सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बोरोन कार्बाइड होता है और बोरोन नाइट्राइड होते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे भाई, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको देखो वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड देखिए, सबसे पहले सिलिकॉन कार्बाइड में देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड में कैसे बनता है ये देखो। 56 पार्ट होता है सिलिकॉन कार्बाइड सैंड, 34 पार्ट होता है पाउडर कोक एंड 2 पार्ट होता है साल्ट एंड 12 पार्ट होता है सॉ डस्ट। इसको मिला के आपको बनता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो टू टाइप का होता है। देखिए टू टाइप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन ग्रिट, दूसरा आता है ब्लैक ग्रिट। मतलब ग्रीन हरा ग्रिट होता है, हरा हरे कलर का एक एब्रेसिव मटेरियल होता है, और ब्लैक ग्रिट होता है। तो ऊपर जो दिखाया गया है वो आप देख सकते हो ब्लैक ग्रिट है, ठीक है। कौन सा है ये दिख रहा है ना, ब्लैक ग्रिट है ये। आगे यहाँ देखो, समझो इसको, देखिए ग्रीन ग्रिट जो होता है विच कंटेंट आर लीस्ट 97% सिलिकॉन कार्बाइड, जिसमें क्या होता है 97% तक सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो ग्रीन ग्रिट में आते हैं। और ब्लैक ग्रिट में क्या होता है, जिसमें 95% तक सिलिकॉन कार्बाइड आते हैं वो होते हैं ब्लैक ग्रिट। तो याद रखना, ज़्यादा परसेंट है ग्रीन ग्रिट हो गया, ग्रीन कलर का हो जाता है, बाकी ब्लैक ग्रिट है उसमें 95% तक सिलिकॉन कार्बाइड आता है। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो सीधे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, साइज ऑफ एब्रेसिव डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रिट। तो जो साइज़ होता है एब्रेसिव का, जैसे पॉइंट टू पॉइंट कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं, कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं साइज़, ठीक है। तो इनके साइज़ को हम ग्रिट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एब्रेसिव के जो कण हैं उसको हम ग्रिट बोलते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो सिलिकॉन कार्बाइड की हम बात कर रहे हैं अभी, वो क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, और ये यूज़ होता है सीमेंटेड कार्बाइड, स्टोन,
जेनरिक मटेरियल, ग्रे कास्ट आयरन एटसेट्रा। तो ग्रे कास्ट आयरन के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रे कास्ट आयरन पर किस तरीके का एब्रेसिव यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड आप बताओगे आंसर। आगे देखते हैं, दूसरे एब्रेसिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे एब्रेसिव की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। ठीक है, अभी सबसे पहले हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रही थी, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो क्या है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय हीटिंग मटेरियल बॉक्साइट हाइड्राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले कंटेनिंग सिल्का आयरन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड, इतने को मिलाकर आपका बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स विद ग्राउंड कोक आयरन सेविंग इन ए आर्क टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो आर्क टाइप एक इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करके देखो हीटिंग मटेरियल होते हैं बॉक्साइट होते हैं हाइड्राइट होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है क्ले होता है कंटेनिंग सिल्का आयरन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड, इतनों को मिला के आपको क्या बनता है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बनते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सिलिकॉन जो आगे वाला था जो हमने पहले पढ़ा था वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की यूज़ किया जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो क्या क्या होते हैं, कार्बन स्टील पे यूज़ किया जाएगा, हाई स्पीड स्टील पे, टफ ब्रॉन्ज एटसेट्रा, तो इन पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिन मटेरियल की उस पर ये यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग के लिए। आगे देखते हैं, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आ जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, DDA में पूछा गया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी JEE में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखिए क्या है, विच एब्रेसिव मटेरियल यूज फॉर ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्टेड फॉर ग्राइंडिंग फॉर फेरस अलॉय। तो मैंने आपको बताया था कि फेरस अलॉय के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया जाता है, क्या किया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताया था ना अभी जस्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विजाग स्टील में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज ए, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बी आंसर उसका हो जाएगा सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल एब्रेसिव, तो नेचुरल एब्रेसिव मैंने आपको बताया था क्या क्या बताया था, देखो नेचुरल एब्रेसिव जो था वो उसमें कोरंडम था, ठीक है कोरंडम था, बाकी ये जो तीनों हैं वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है, तो आपको देख लेने नेचुरल एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताए थे कि नेचुरल एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं, सैंडस्टोन होता है, कोरंडम होता है, एमरी होता है, डायमंड होता है, गार्नेट होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए DMRC JEE में पूछा गया दिल्ली मेट्रो, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज एब्रेसिव मटेरियल इन ग्राइंडिंग व्हील, तो कह रहा है इनमें से कौन सा अपघर्षक पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी किया जाता है क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट, ठीक है, ये भी किया जाता है मैग्नीस ऑक्साइड, ये नहीं किया जाता, तो इसका जो आंसर होगा मैग्नीस ऑक्साइड होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एब्रेसिव साइज और ग्रेन साइज, ठीक है, एब्रेसिव साइज क्या होता है और ग्रेन साइज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि साइज ऑफ एब्रेसिव होता है वो होता है ग्रिट, उसको ग्रिट बोलते हैं, तो साइज़ का मतलब आप समझ रहे होगे कि ये देखो यहाँ पे जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव मटेरियल देखो ये है और ये भी है, दोनों का साइज़ अलग अलग है। ठीक है, ये साइज़ कुछ अलग है और ये साइज़ अलग है, आपको दिख रहा होगा ये छोटा है, ठीक है, ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे देखो ये बिग साइज़ है, दिख रहा है ना, ये बिग साइज़ है और ये स्मॉल साइज़ है, दिख रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये साइज़ ऑफ डिपेंड किस पे डिपेंड्स होता है, वो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि ग्रेन साइज़ डिपेंड्स अपॉन, ग्रेन साइज डिपेंड्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल पे डिपेंड होता है, सरफेस फिनिश पे डिपेंड होता है और डिज़ायर रेट ऑफ मेटल रिमूवल पे डिपेंड होता है। तो ये आते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेन्स आते हैं कि किस किस टाइप के ग्रेन्स के लिए क्या क्या नंबर शो कराए जाते हैं।
तो देखिए कर्स ग्रेन, कर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटा जो दाना होता है, मोटा साइज होता है, उसको कर्स ग्रेन बोलते हैं। और ग्रिट साइज जो होता है इसका मतलब वो होता है 10 से 24, ठीक है, 10 to 24 होता है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, एक बात ध्यान रखना कि कर्स ग्रेन होगा, मोटा दाना होगा, जल्दी से ग्राइंड करेगा किसी भी मटेरियल को। तो यहाँ कह रहा है रेट ऑफ मेटल रिमूवल इज फास्टर, ठीक है, रेट ऑफ मेटल रिमूवल होता है वो फास्टर होता है इस केस में कर्स ग्रेन में। और बट यील्ड ऑफ पुअर सर्फेस, मतलब लेकिन यहाँ पे हमें पुअर सर्फेस देखने को मिलती है, एक रफ सर्फेस देखने को मिलती है, मतलब जो क्वालिटी होगी जो ग्राइंडिंग की वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है, कर्स ग्रेन साइज में। और कर्स ग्रेन का साइज होता है वो 10 से 24 होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मीडियम ग्रेन साइज, मीडियम के लिए आता है कितना आता है, मीडियम के लिए आता है ग्रेट ग्रेट साइज आता है वो 30 से 60 आता है, ठीक है, 30 से 60 आता है। उसके बाद फाइन ग्रेन आते हैं, फाइन ग्रेट का ग्रेट साइज होता है वो 80 से 200 होता है, ठीक है, ये साइज आपको याद कर ले रहे हैं। बाकी फाइन ग्रेन की जो कंडीशन है वो क्या है, रेट ऑफ मेटल रिमूवल इज स्लो। देखो बड़े दाने होंगे तो रेट ऑफ मेटल रिमूवल होगा ना वो ज़्यादा एकदम जल्दी जल्दी करेगा, और छोटे छोटे दाने होंगे अगर ग्राइंडिंग व्हील पे तो रेट ऑफ रेट मतलब बहुत ही कम सरफेस रिमूव करेगा वो, तो तभी कह रहा है रेट ऑफ मेटल रिमूवल इज स्लो, ठीक है। यूज़ ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन, ये फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जैसे देखो इसमें जो साइज दे रहा है छोटा सा दे रखा है, छोटे छोटे दाने होंगे इसमें, तो इसको फाइन ग्रेन्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, वेरी फाइन, वेरी फाइन ग्रेन का ग्रेन के लिए जो ग्रिड साइज होता है 220 से लेके 600 होता है। तो याद रखना, यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका। देखिए कर्स ग्रेन होगा वो ग्रेन ग्रिड साइज होगा 10 से 24, मीडियम के लिए 30 से 60, ठीक है, 30 से 60 होगा, फाइन ग्रेन के लिए 80 से 200 होगा, और वेरी फाइन के लिए 220 से 600 होगा, ठीक है, इस टाइप के आ जाते हैं। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्या आता है, कर्स ग्रेन व्हील होते हैं, जो कर्स ग्रेन व्हील मतलब मोटे मोटे दाने के जो व्हील होते हैं, ठीक है, वो सूटेबल होते हैं सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए, ये याद रखना, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ होंगे। अब आगे जो फाइन ग्रेन आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम फाइन ग्रेन के जो ग्राइंडिंग व्हील होंगे, ठीक है, वो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, देखिए हमने एब्रेसिव साइज तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम ग्रेड पढ़ेंगे, ग्रेड क्या होता है, ठीक है, ग्रेड क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट, तो आपको मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड देखेंगे, ग्रेड क्या होता है, हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील की जो मजबूती होती है, हार्डनेस होती है, वो आपको बताता है। तो कह रहा है ये पहिए की मजबूती को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ये कि ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड्स रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ विद विच द बॉन्ड होल्ड्स द ग्रेन टुगेदर, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की जो मजबूती होती है इसका मतलब होता है कि जो भी एब्रेसिव मटेरियल है जो कितनी मजबूती से एक दूसरे को एक होल्ड करे हुए है, मतलब पकड़े हुए है, ठीक है, इस तरीके से दर्शाता है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लीजिए क्या है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस ऑफ द व्हील डिपेंड्स अपॉन किस पे होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉन्डिंग मटेरियल, मतलब बॉन्डिंग मटेरियल के जो वॉल्यूम होता है उस पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्डिंग मटेरियल इंक्रीज होगा, ठीक है, द हार्डनेस इम्प्रूव, और हार्डनेस इम्प्रूव होगी, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी पे। तो व्हील हार्डनेस डेजिग्नेटेड बाई ए टू जेड, तो व्हील की जो हार्डनेस होती है, जो पहिया होता है उसकी जो हार्डनेस होती है, ठीक है, उसको कैसे डेजिग्नेटेड करेंगे, तो ए टू जेड से करेंगे, मतलब अल्फाबेटिक नंबर से करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ए टू जेड, ए टू एच वाला होता है वो सॉफ्ट ग्रेड का होता है, मतलब सॉफ्ट ग्रेड के व्हील को दर्शाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई टू पी होगा वो मीडियम ग्रेड के लिए होगा। उसके बाद क्यू टू जेड हार्ड ग्रेड के लिए होगा, तो ये याद रखना है, ए टू एच सॉफ्ट ग्रेड के लिए, आई टू पी मीडियम ग्रेड के लिए, क्यू टू जेड हार्ड ग्रेड के लिए, ठीक है। देखिए ये कंटेंट मैंने बहुत दिनों में तैयार किया है, तो आपको लाइक तो ज़रूर करना है, ठीक है, वीडियो को एक बस यही उम्मीद है कि आप एक लाइक कर दीजिएगा, और चाहो तो वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये वीडियो थोड़ा चल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, अगर न्यू व्हील है आपका
तो पावर और टाइम का जो रेशियो होता है, जो मतलब ग्राफ बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है, अगर ये वाली लाइन ऐसे दर्शाएगा, ठीक है, इस तरीके की, तो वो होगा टू सॉफ्ट, ठीक है, टू सॉफ्ट दर्शाएगा। उसके बाद ऐसे करके अगर आए तो ऑप्टिमम होगा, उसके बाद अगर ये आएगा इस तरीके की तो टू हार्ड दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, वो आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सॉफ्ट ग्रेड यूज़ फॉर हार्ड मटेरियल। अगर सॉफ्ट ग्रेड की बात करी जाए तो वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होगा, और हार्ड ग्रेड यूज़ होगा वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक। तो जो भी टॉपिक अब मैंने अभी जस्ट बढ़ाया है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये आपका DMRC JEE में पूछा गया है, DMRC में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जिधर से भी बने हैं उधर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। तो देखिए, विच लेटर आर यूज फॉर डिनोट सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील। तो सॉफ्ट ग्रेड के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि A to H होता है, ठीक है, A to H होता है ना, ठीक है, क्या होता है अभी, A to H होता है, वो सॉफ्ट ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और अब बताया था कि I to P होता है वो मीडियम के लिए होता है, ठीक है, और Q to Z होता है वो आपका हार्ड हार्ड ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो RRB मुंबई में पूछा गया है, इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ग्राइंडिंग व्हील द ग्रेन साइज 20 रेफर टू। तो ग्रेन साइज जो 20 होता है, ठीक है, मैंने आपको नंबर दिखाए थे कि 20 होता है 10 से 20 के एयरफेयर में, वो कौन सा ग्रेड होता है आपको बताना है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, वो कर्स ग्रेन होता है, मतलब मोटा होता है, बताया था। तो ये याद आपको रखने हैं, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, ठीक है, जो ग्रेन साइज होते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना कि कर्स ग्रेन होता है वो 10 से 24 के बीच में होता है, पढ़ाया था। उसके बाद मीडियम ग्रेड होता है वो 30 से 60 होता है, फाइन ग्रेन होता है वो 80 से 200 होता है, और वेरी फाइन होता है वो 220 से 600 तक होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोरंडम इज कम्पोज ऑफ अबाउट 85% ऑफ। तो कोरंडम जो होता है वो 85% किस में होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बताइए यहाँ से क्या हो सकता है। इसका होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिनोटेड एज A to G। अब A to G पूछा है, ठीक है, A to H भी देता है, A to G भी देता है, इस तरीके से देता है। तो A to G मैंने आपको क्या बताया था भाई, बताइए, सॉफ्ट ग्रेड के लिए होगा, ठीक है, क्या होगा, मुलायम ग्रेड के लिए। तो विजाग स्टील में पूछा गया 2018 में, A to H भी आए तो भी सॉफ्ट के लिए होगा, ठीक है, आपको एक बार याद कर लेने हैं कोड सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन जितने भी बने वो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। बाकी अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, एक एक चीज़ ज़रूरी है समझना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ बॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है वॉल्यूम ऑफ एब्रेसिव मटेरियल में, वॉल्यूम ऑफ बॉन्ड में, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील में, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, डिनोटेड बाई 1 to 6, ठीक है, 1 to 16, मतलब 1 से लेके 16 तक आपका स्ट्रक्चर दर्शाया जाएगा। अब स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर होती है संरचना, ठीक है। जैसे ग्राइंडिंग व्हील के बीच में मैंने आपको मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि वॉल्यूम होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करता है, वॉल्यूम, फिर बॉन्ड का। तो ये तरीके के होते हैं, यहाँ देखो ओपन स्ट्रक्चर है, मीडियम स्ट्रक्चर है, और डेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एक चीज़ का मतलब दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे एब्रेसिव, ये जो दिखाया जा रहा है वो एब्रेसिव ग्रेन है, ये जो इस टाइप का है सफ़ेद, तो वो बॉन्ड मटेरियल है, और ये पोर्स है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है, संरचना होती है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये जूम करके आपका ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस दिखा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इस तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकता है, इस तरीके के हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर होता है और क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेंस स्ट्रक्चर, सॉरी,
डेंस स्ट्रक्चर को ही हम क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये इसका जो नंबर होता है 1 से 8 तक दर्शाते हैं इसको, किससे दर्शाते हैं, 1 से लेके 8 नंबर तक, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो स्ट्रक्चर होता है वो नंबर से दर्शाया जाता है, 1 से लेके 16 के बीच में होता है, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 1 से लेके 8 तक हो गया, फिर ओपन स्ट्रक्चर होता है दूसरा, ओपन स्ट्रक्चर को 9 से लेके 17 तक शो कराते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर 1 से लेके हम 16 तक चलेंगे, ठीक है, इस तो ऊपर सबसे पहले ऊपर आएगा वो डेंस स्ट्रक्चर होगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ओपन स्ट्रक्चर होता जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कम नंबर वाला डेंस स्ट्रक्चर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास पास में होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन आंसर में भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, इस वीडियो में। देखिए, द ग्रिट साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज इन द ग्राइंडिंग व्हील इज यूजली स्पेसिफाइड द, तो ग्रिट साइज जो होते हैं वो किससे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा भाई क्या होगा, पता है क्या होगा आंसर इसका, बताइए, मैच नंबर से, ठीक है। ग्रिट साइज जो होते हैं वो मैच नंबर से दर्शाते हैं, ठीक है। मैच नंबर मतलब ये जो जाली दिख रही है आपको, ये इस तरीके की, देखो ये बड़ी जाली है, ये छोटी जाली है, तो इस इट मीन्स जो जाली का जो नंबर है वो मैच नंबर कहलाता है, ठीक है। जाल का नंबर होता है वही मैच नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डिनोटेड बाय, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किससे दर्शाते हैं, नंबर से दर्शाते हैं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और लेटर से किसको दर्शाते हैं, हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, इस तरीके से दर्शाते हैं। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड होता क्या है भाई, ज़रूरी है बॉन्ड भी पढ़ना। देखिए देखिए, ये वीडियो बड़ा है मैं जानता हूँ, बड़ा बन रहा है मतलब, लेकिन आपको पूरा वीडियो एक ही में मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, पूरा क्लीन मतलब एकदम तैयार हो जाएगा चैप्टर बढ़िया तरीके से। यहाँ देखिए, द मटेरियल यूज फॉर होल्डिंग एब्रेसिव मटेरियल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड बॉन्ड, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, जो 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 है ना, ये ना है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, एब्रेसिव मटेरियल को होल्ड करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि गोंद हो गया, जैसे मान लो इसको गोंद से चिपका दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर चिपका दिया, तो जो गोंद है वो एक तरीके का बॉन्ड मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि बॉन्डिंग मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, पॉलीएस्टर स्टोन एडहेसिव होता है, यहाँ दिख रहा है। तो ये क्या होता है, क्या कह रहा है कि फॉर ग्लूइंग एंड फिलिंग ऑल टाइप स्टोन, तो एक तरीके के स्टोन ही होते हैं उसको चिपकाने के लिए ये इसका यूज़ होता है। तो तिनका करके दे रखा है कुछ, इसका कंपनी का नाम है ये, ठीक है, पॉलीएस्टर स्टोन एडहेसिव दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम बॉन्ड डिस्क्राइब बिलो, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आते हैं, तो ये नीचे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है बट्रीफाइड बॉन्ड जो वी से डिनोट करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड होता है ए से डिनोट करते हैं, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है ओ से डिनोट करते हैं, रेजिनॉइड बॉन्ड होता है बी से करते हैं, सेलेक बॉन्ड होता है वो ई से डिनोट करते हैं, और रबर बॉन्ड होता है वो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नंबर पूछे जाते हैं कि बैटरीफाइड बॉन्ड को किस से डिनोट करते हैं, तो आप दिख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेटिक जो बॉन्ड होते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिक नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि वीडियो ये आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या फिर मतलब इस तरीके का ही वीडियो बनाना चाहिए आगे, या मतलब कुछ और टाइप चेंज करना चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगर देखो, मैंने अपनी तरफ से ये पूरा अच्छी तरीके से बनाया, एकदम कंटेंट बढ़िया तरीके से, अगर ये भी आपको क्लीन मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने अच्छा बनाया ये, फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप समझो तो दूसरे वीडियो से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको साथ साथ में, और मटेरियल भी मिल रहा है आपको प्रोवाइड, एकदम नेट एंड क्लीन, और क्वालिटी ख़राब हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है, क्वालिटी आपको मिल जाएगी 720 प्रिंट में मिल जाएगी आराम से। तो वट्रीफाइड बॉन्ड देखिए, सबसे पहले हम वट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड मैंने आपको बता दिया बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब वट्रीफाइड बॉन्ड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, वो ये हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए, इट इज़ ए क्ले बॉन्ड, रेड इज़ ब्राउन कलर, तो रेड इज़ ब्राउन कलर का होता है, वट्रीफाइड बॉन्ड अगर आ जाए तो रेड इज़ ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। द बेस मटेरियल इज फेल्सपार, तो इसका जो बेस मटेरियल होता है फेल्सपार होता है। द बॉन्ड इट्सेल्फ इज़ वेरी हार्ड, एक्ट एंड एब्रेसिव, और ये बॉन्ड होता है वो
और वेरी हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज पॉसेस दिस बॉन्ड, इट इज डिनोटेड बाई वी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड यूज होता है वो वट्रीफाइड बॉन्ड ही होता है, उसको वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य अयस्क होता है, मटेरियल होता है, वो फेलिस्पार होता है और रेड इज ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। आगे देखते हैं सिलिकेट बॉन्ड। ठीक है, क्या आता है भाई? दूसरा जो बॉन्ड आता है वो सिलिकेट बॉन्ड आता है। सिलिकेट बॉन्ड लाइट ग्रे कलर का होता है। ठीक है, द बेस मेटल ऑफ द बॉन्ड इज सिलिकेट सोडा। ठीक है, बेस मेटल जो होता है वो सिलिकेट सोडा होता है। कटिंग एक्शन स्मूथर, मतलब कटिंग एक्शन जो होती है सिलिकेट बॉन्ड की वो स्मूथ होती है। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाई एस। तो सिलिकेट बॉन्ड को हम किससे करते हैं? एस से करते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आ जाता है? ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड आता है। इस इट इज़ ए मिक्सर ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड मैग्नीशियम एंड सेटिंग प्लेस कोल्ड स्टेट। तो ये जो मिक्सचर होता है वो ऑक्साइड क्लोराइड और मैग्नीशियम का होता है और इसको किया जाता है कोल्ड स्टेट में सेट। तो इट इज़ डिनोटेड बाई ओ। तो ये जो डिनोटेड आपको बता रहा हूँ इसे अच्छे से डिनोट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने करा रखे हैं और कराता जा रहा हूँ आगे आगे। ठीक है, रेजिनॉइड बॉन्ड होता है। रेजिनॉइड बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से करते हैं। बाकी देखिए, इट इज़ मेड ऑफ सिंथेटिक और ऑर्गेनिक रेजिन। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, और स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ हाई कटिंग एंड लो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हाई कटिंग हो और लो टेम्परेचर हो वहाँ पे रेजिनॉइड बॉन्ड का यूज़ करेंगे। और रेजिनॉइड बॉन्ड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए क्योंकि इसको किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो बी से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेलेक बॉन्ड। सेलेक बॉन्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये भी पूछा जाता है किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो ई से करते हैं इसको। ठीक है, दिस बॉन्ड इज़ यूज फॉर हाई फिनिश वर्क। अगर तुमको हाई फिनिशिंग वर्क करना है तो सेलेक बॉन्ड का यूज़ करोगे। आगे देखते हैं रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड क्या होता है भाई? रबर बॉन्ड होता है व्हील आर हाफ फ्लेक्सिबल कैन हैव वेरी थिन सेक्शन। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा थिन सेक्शन पे आपको करना है, ठीक है, पतली सी आपकी स्ट्रिप है बहुत ज़्यादा, उस पर आपको ग्राइंडिंग करनी है तो रबर बॉन्ड का यूज़ करोगे, और इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है भाई? यहाँ पे बॉन्ड फिनिश हो गए हैं। देखिए बॉन्ड फिनिश हो गया है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग रेशियो। ठीक है, ये आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है ग्राइंडिंग रेशियो। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए ग्राइंडिंग रेशियो होता क्या है, इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए फिर उसके बाद हिंदी में देखेंगे। ग्राइंडिंग रेशियो को जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल। ठीक है, मतलब कितना मटेरियल आप रिमूव कर रहे हो, कितना वॉल्यूम मटेरियल आप रिमूव कर रहे हो किसी भी सरफेस से। जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे ग्राइंडिंग हो रही है, तो कितना मटेरियल आपको यहाँ प्लेट पे रिमूव होगा। ठीक है, रिमूव होगा ना, जब ग्राइंडिंग करोगे तो हटेगा मतलब मटेरियल उससे, तो कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है वॉल्यूम में। बाकी वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर, और आपका जो व्हील है ना, ये जो व्हील दिख रहा है आपको ग्राइंडिंग व्हील, वो कितना मतलब वियर हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है। वियर मतलब क्षति पहुंच रही है उसको हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए हिंदी में लिख रखा है मैंने, वर्क पीस से हटाए गए धातु का आयतन अपॉन व्हील वियर। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राइंडिंग रेशियो होता है वो डिनोट करते हैं। बाकी ग्राइंडिंग रेशियो से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको मैं करा दे रहा हूँ। जी रेश यहाँ पे क्या है, ओके ये जी रेशियो है। ठीक है, आर ए टी आई ओ है, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लीन, वो सही कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ मिलेगी तब। तो जी रेशियो इज़ मोर फॉर रफ ग्राइंडिंग। अगर आपकी ग्राइंडिंग रफ है, ठीक है, आर ओ यू जी एच, ठीक है, रफ ग्राइंडिंग है आपकी, मान लो कि ज़्यादा अच्छी ग्राइंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे जो जी रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वो ज़्यादा होगा। बाकी इट इज़ अबाउट 1.0 5.0 तक होता है। जी का जो मान होता है, जो जी रेशियो का जो मान होता है वो 1.0 से लेके 5.0 तक होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, जी रेशियो इज़ लेस फॉर फाइन ग्राइंडिंग। तो बस क्लियर हो गया, रफ ग्राइंडिंग के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है, रफ ग्राइंडिंग के लिए ज़्यादा होता है और फाइन ग्राइंडिंग के लिए कम होता है। और जी का जो मान होता है 1.0 से लेके 5.0 तक होता है। ठीक है, ये याद आपको कर लेना है। तो जी जो जी रेशियो है उसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी आगे देखते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या आती है? ग्लेजिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको करा रहा हूँ।
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो कराते जा रहा हूँ, ठीक है। ग्लेजिंग क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया है। तो देखिए, ग्राइंडिंग ऑपरेशन होते समय व्हील के एब्रेसिव कण हटते रहते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है, तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो आपकी ग्राइंडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ग्राइंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसके ऊपर एब्रेसिव कण होंगे ना इसमें, ठीक है, छोटे छोटे एब्रेसिव कण होंगे, वो क्या होते रहेंगे, वो रिमूव होते रहेंगे सरफेस से, ठीक है। मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, ये कण है ना, वो रिमूव होते जा रहे हैं ग्राइंडिंग करते करते, तो इसकी जो ग्राइंडिंग सतह है वो चिकनी होती जा रही है, ठीक है, वो चिकनी होती जा रही है, इसको ही हम ग्लेजिंग बोलेंगे। तो वहाँ पे सही से मतलब आपका सरफेस, आपकी सही से ग्राइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, देखिए क्या है, ए ग्लेज व्हील ऑकर वेन द एब्रेसिव ग्रेन्स आर डल, द कटिंग सरफेस ऑफ द व्हील अपीयर शाइनी। तो कटिंग जो सरफेस होती है वो शाइनिंग, एक तरीके की शाइनी हो जाती है, ठीक है, चमकदार हो जाती है, चिकनी हो जाती है। तो वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील, अब मान लो देखो, मैं आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, समझो पहले, ग्लेजिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लेजिंग यहाँ पे देखो, कोई भी ये मटेरियल है, ठीक है, जो भी कोई कंपोनेंट है उस पर ग्राइंडिंग हो रही है, आपको दिख रहा है ग्राइंडिंग हो रही है, तो जो ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट, ये इनको एब्रेसिव बोलेंगे, ठीक है। अब यही एब्रेसिव मान लो कि रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये रिमूव हो जाते हैं, तो इट मीन्स ये जो जो ग्राइंडिंग व्हील है ये चिकना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही जो पॉइंट है यही तो ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। अब ये रिमूव हो गई, क्या हो गई, इसको हटा दिया गया, तो सरफेस की चिकनी हो गई, इसको ही हम बोलेंगे ग्लेजिंग। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है या हेडिंग है वो ट्रोइंग है, ठीक है, क्या है, ट्रोइंग। ग्लेजिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सरफेस चिकनी हो जाती है, वो ग्लेजिंग होती है। ट्रोइंग में क्या करते हैं, ट्रोइंग देखिए, ध्यान से देखना है, ठीक है, ट्रोइंग देखिए। ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते समय ग्राइंडिंग व्हील असमान घिसाई के कारण पहिए की वर्किंग सतह तिरछी इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, पहिए की जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जो उस पर ग्राइंडिंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो उसकी जो सरफेस है वो एकदम इंक्लाइंड हो गई, तिरछी हो गई। तो ग्राइंडिंग पहिए की जो सतह सीधा करने की प्रक्रिया को ट्रोइंग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बताया। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या हुआ, द ऑपरेशन विच इज़ डन टू मेक पेरीफ्री ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कंसेंट्रिक विद इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इज नॉन एज ट्रोइंग। तो एग्जिस होगा इस जगह पे, मैं सही कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, समझिए। मान लो ये आपका ग्राइंडर है, ठीक है, ग्राइंडर है आपको, ग्राइंडिंग ये दिख रहा है आपको, ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। अब यहाँ से तुम ग्राइंडिंग करते जा रहे हो, इस जगह पे कोई भी मटेरियल लगाते जा रहे हो, इसके ऊपर ग्राइंडिंग होता जा रहा है, तो जो ग्राइंडिंग की सरफेस है वो मान लो इंक्लाइंड हो गई, कैसी हो गई, तिरछी हो गई, इंक्लाइंड, ठीक है, तिरछी हो गई। तो इस तिरछी सतह को सीधा करोगे किसी भी से, हैं, इस तिरछी सतह को सीधा करने की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, ट्रोइंग कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे, ट्रोइंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया, ग्लेजिंग समझ में आ गया, ट्रोइंग समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम ड्रेसिंग देखेंगे, ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ द व्हील, कि ड्रेसिंग होता क्या है। तो देखो समझो, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य करते समय ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है, मैंने अभी बताया था, कार्य करते रहोगे वर्क करते रहोगे, तो ग्लेजिंग, ग्लेज का मतलब उसके ऊपर से जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो हट जाएंगे, वो सतह चिकनी हो जाएगी, ठीक है। तो कार्य करते समय ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है, तो उसे कार्य योग्य बनाने के लिए ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो अब ग्लेज हो गया है, तो उसको ड्रेसिंग कैसे करेंगे, तो ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिसमें ग्राइंडिंग पहियों को साफ करना, धातु छिलका मेटल चिप्स को हटाना, कुंद एब्रेसिव ग्रेन्स को निकालना, इस क्रिया को अंतर्गत नए ग्रेन घिसाई की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस पर जो भी वो है ना मटेरियल, जो भी एब्रेसिव कड़ है, ठीक है, ये रिमूव हो जाते हैं, तो उसको ग्लेज कहते हैं। अब ये रिमूव हो गए हैं तो इसको निकालना भी तो ज़रूरी है, तो क्या करोगे, ड्रेसिंग करोगे, क्या करोगे, ड्रेसिंग, ठीक है। अब कैसे करेंगे ड्रेसिंग, देखिए अब इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। ड्रेसिंग ए व्हील एक्सपोज न्यू कटिंग एज एंड इम्प्रूव द कटिंग एक्शन। व्हील मस्ट बी ड्रेस्ड रेगुलरली एज रिक्वायर्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, रोटेशन हार्ड ड्रेसर। अब यहाँ पे कौन कौन से ड्रेसर यूज़ किए जाते हैं, रोटेटिंग हार्ड ड्रेसर, एब्रेसिव स्टिक और व्हील
सिंगल पॉइंट क्लस्टर डायमंड ड्रेसर एंड क्रस रोल ड्रेसर। तो इस तरीके के ड्रेसर यूज़ किए जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ समझो, पूरा फिगर से मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये होते हैं ड्रेसर, ये क्या होते हैं, देखो ये ड्रेसर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाला है, ये भी आपका ड्रेसर है, ठीक है, ये भी ड्रेसर है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये आपको दिखा रखा है ड्रेसर में। ये ग्राइंडिंग व्हील है, आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट जो होते हैं एब्रेसिव कड़ होते हैं वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, वो ग्लेज ग्लेज हो चुकी है। ये सरफेस आपको दिख रही है चिकनी है, ग्लेज हो चुकी है। तो ये ड्रेसर है ना, इस पर लगाया जा रहा है, ठीक है, ये ड्रेसर लगाया जा रहा है, ये ब्रश टाइप का भी होता है। तो इससे क्या होंगे, न्यू पॉइंट, न्यू जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, न्यू एब्रेसिव, एब्रेसिव जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, न्यू एब्रेसिव जनरेट हो जाएंगे इस जगह पे। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। इससे बढ़िया शायद कोई वीडियो बनी नहीं है, मैंने वीडियो देख ली है बहुत सारी, अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर करा है। तो अब आगे देखते हैं व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग में कुछ नहीं है, व्हील बैलेंस से तात्पर्य है कि व्हील के भार वेट जो होता है उसको चारों तरफ से इक्वली समान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील है। अब मान लो इसका वेट कुछ अलग हो गया है, इसका जैसे मान लो ये ग्राइंडिंग व्हील है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे इसकी बात कर लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ग्राइंडिंग व्हील ही है। तो इसका वेट है ना वो चारों तरफ से इक्वल रखना। अब ये इधर उधर टिल्ट हो गया है, ठीक है, मान लो टिल्ट हो गया, तो इसको सही करना है, ठीक है, चारों तरफ से इक्वल इक्वल रखना, चारों तरफ से इक्वल रखोगे तभी आपकी ग्राइंडिंग अच्छी होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम व्हील बैलेंसिंग, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ग्राइंडिंग में क्या है, सबसे पहले आता है सेंटर लेस ग्राइंडिंग, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर लेस ग्राइंडिंग आती है, इसमें होता क्या है भाई, यहाँ सेंटर लेस ग्राइंडिंग देखिए, देखिए सेंटर लेस ग्राइंडिंग होता कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी वर्क है, ठीक है, कोई भी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वर्क है, तो दो रोलर के बीच इसको पास किया जाता है। सबसे पहले एक रोलर है, इसको ग्रम ग्राइंडिंग व्हील बोलेंगे। दूसरा होता है कंट्रोलिंग व्हील, जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, दूसरा कंट्रोलिंग व्हील होता है, और जिससे कोई भी कंपोनेंट है जिसपे हम ग्राइंडिंग व्हील करते हैं उसको, जिससे उसको सपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं वर्क रेस्ट, ठीक है। तो सेंटर लेस ग्राइंडिंग का ही फिगर है, ये देख रहे हो सेंटर लेस ग्राइंडिंग, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, एक बार फिगर देख लो, ठीक है, ऐसे फिगर देख लो क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, फिर कंट्रोलिंग व्हील होता है, बीच में क्या होता है वर्क रेस्ट, और उसके बाद बीच में होता है दोनों ग्राइंडिंग व्हील के बीच में वो वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन जाती है, देखो गौर से देखो, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ऐसे क्या है क्लॉकवाइज में, ये ग्राइंडिंग व्हील है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी एंटी क्लॉक, ये ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, ये है जिसपे हम किसी पे वो कर रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, ये वर्क है, ठीक है अपना। तो इस पर हम तो याद रखना कि ग्राइंडिंग व्हील अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो कंट्रोलिंग व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है इस तरीके से घूम रहा है, इट मीन्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये जो घूम रहा है ना, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वर्क, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, अब आगे देखते हैं। तो सेंटर लेस ग्राइंडिंग होती है, उससे करते क्या है भाई, वो देखिए, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल शेप पर ग्राइंडिंग की जाती है। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, बुश है, पिस्टन है, वाल्व है, ट्यूब है, शेपर है, ठीक है, इस तरीके की स्पीयर है, सॉरी स्पीयर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन दिस ग्राइंडिंग मेटलिक पार्ट इन विच द पीस ऑफ टू बी ग्राउंड टू बी सपोर्टेड ऑन द वर्क रेस्ट एंड पासिस बिटवीन ग्राइंडिंग व्हील रनिंग एट ए हाई स्पीड एंड कंट्रोलिंग व्हील इज स्लो स्पीड। तो क्या कह रहा है वो, ये जो वर्क जो जिसपे हम वर्क करते हैं, ठीक है, जिसपे ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग करी जाती है वो किस किस के बीच में होती है, एक वर्क रेस्ट की वो होती है आपका, पास की जाती है किस पे, ग्राइंडिंग व्हील और कंट्रोलिंग व्हील के बीच में की जाती है, और स्लो स्पीड की होती है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंट्रोलिंग व्हील इज द सेम कंपोजिशन एज द ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ देखिए क्या है कि कंट्रोलिंग व्हील जो है ना वो क्या है, सेम कंपोजिशन का बना हुआ है एज ए ग्राइंडिंग व्हील, द वर्क रिवॉल्व एट द सेम स्पीड एज ए कंट्रोलिंग व्हील। तो वर्क जो होता है
क्या कह रहा है ये, वर्क रिवॉल्व एट द सेम स्पीड एज द कंट्रोलिंग व्हील। तो वर्क जो रिवॉल्व होता है वो सेम स्पीड होता है एज द कंट्रोलिंग व्हील। तो कंट्रोलिंग व्हील जो घूमता है जिस स्पीड से, उस स्पीड से ही वर्क रिवॉल्व करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ से सेंटरलेस ग्राइंडिंग को समझ सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके की सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है। ये आपका क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, ये कंट्रोलिंग व्हील है। ठीक है, ये आपका बीच में ये आपका वर्क पीस है जो भी पास किया जा रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक वर्क रेस्ट लगा हुआ होगा, इस जगह पे वर्क रेस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है ये, तो आप फिगर देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी सेंट्रलेस ग्राइंडिंग आर थ्री टाइप्स। तो सेंट्रलेस ग्राइंडिंग होंगी वो थ्री टाइप्स की होंगी। देखो कौन कौन सी है, थ्रो फीड ग्राइंडिंग। तो थ्रो फीड ग्राइंडिंग क्या होती है, थ्रो फीड ग्राइंडिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रलेस ग्राइंडिंग इन विच पार्ट ऑफ रोटेट बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से क्या है, एग्जाम्पल देखिए, ग्राइंडिंग इज द रोलर पिन एंड स्ट्रेट लॉन्गर बार। तो यहाँ पे इस तरीके की फिगर देखिए आप, इस तरीके ये थ्रो फीड ग्राइंडिंग है। ठीक है, तो थ्रो फीड ग्राइंडिंग में इस तरीके से ग्राइंडिंग की जाती है। आगे इन फीड ग्राइंडिंग देखिए, इन फीड ग्राइंडिंग में क्या है, इन फीड ग्राइंडिंग इज अनदर टाइप ऑफ एक सेंट्रलेस ग्राइंडिंग इन विच दिस नो एक्सियल मूवमेंट ऑफ द वर्क पीसेस एज द लेंथ ऑफ ग्राइंडिंग हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इन फीड ग्राइंडिंग में क्या होता है भाई, कि अंदर की तरफ ग्राइंडिंग करोगे आप। ठीक है, ये दो तरीके ग्राइंडिंग व्हील है, ये आपका देखो, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये कंट्रोलिंग व्हील है। तो बीच में आप देख रहे हो, ये बीच में यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की ग्राइंडिंग हो रही है। आगे देखते हैं, तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग भी देख लीजिए। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग यूज फॉर ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल सर्फेस विच मे बी पैरेलल टैपर्ड फ्लैट्स ग्रूव शोल्डर एंड अदर फॉर्म। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग आप फिगर में देख सकते हो, ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राइंडिंग का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे एफ का जो फॉर्मूला होता है वो एफ बराबर पाई डी एन साइन अल्फा होता है। ठीक है, ये आर एस खुरमी से बुक से लिया गया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंट्रलेस ग्राइंडिंग का ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सब खत्म हो गया, क्वेश्चन देखते हैं। इन सेंट्रलेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी। तो सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में जो वर्क प्लेस होता है वो किस पे होता है, तो अबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ये और इस तरीके के एक, तो यहाँ पे बीच में जो हो रहा है वो अबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर, टू व्हील के सेंटर से ऊपर ही होता है वो। ठीक है, अभी बताया था ना आपको, देखिए इस फिगर में देख लीजिए, ये आपको दो व्हील हैं, तो ये सेंटर जो सेंटर है उससे ऊपर ही होगा, ये वर्क पीसेस दिख रहा है, बीच में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इंटरनल ग्राइंडिंग भी देख सकते हो आप। इंटरनल ग्राइंडिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन होती है इसकी इंटरनल बोर ऑफ गियर। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये कोई भी मटेरियल है, उस पर अंदर की तरफ ग्राइंडिंग करी जा रही है सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे ग्राइंडिंग करी जा रही है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये ग्राइंडिंग व्हील है, और ये ऐसे करके इंटरनली करता जाएगा, घूमता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील हो गया। आगे देखते हैं, तो मान लो ये है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है आपका, जैसे मान लो कि ये कोई भी मैकेनिकल सील है ये। ठीक है, वैसे मैकेनिकल सील है, तो इसके अंदर आपको ग्राइंडिंग करनी है, ये दिख रहा है ना अंदर की सरफेस, इसमें ग्राइंडिंग करनी है। तो इंटरनल ग्राइंडिंग करेंगे इसमें। ठीक है, इंटरनल ग्राइंडिंग करेंगे, क्लियर। चलिए, और ये जो ये वाली जो ग्राइंडिंग हुई है ना, इस तरीके की दिख रही है, वो इनफीड ग्राइंडिंग है। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं अब कटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, पाई डी एन, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला तो पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट होता है। तो डी होता है डाया ऑफ ग्राइंडिंग व्हील mm, एन होता है स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील rpm। ठीक है, क्लियर हुआ। अब डेप्थ ऑफ कट की बात करते हैं, तो डेप्थ ऑफ कट की अगर बात करें तो डी बराबर डी इनिशियल एंड डी फाइनल बाई टू। मान लो ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बार में कितना कट कर रहा है, तो इनिशियल इनिशियल होगा, ठीक है, उसके बाद फाइनल कट होगा बाई डिवाइडेड टू करोगे, तो डेप्थ ऑफ कट यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में ये काम आते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। अब ठीक है, चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे एक साथ करा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, जितना आप
थ्योरी पढ़नी थी वो थ्योरी पढ़ ली है जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए, विच इज नॉट रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ग्राइंडिंग, बताइए इनमें से कौन सा ग्राइंडिंग से संबंधित नहीं है, ट्रूइंग है या बफिंग है या ड्रेसिंग है या ग्लेजिंग है, बताइए। देखिए ड्रेसिंग भी है, ग्लेजिंग भी है, ग्राइंडिंग और ट्रूइंग भी है, मतलब ये बफिंग नहीं है। बफिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट पे चमक प्रदान करने के लिए बफिंग की जाती है, तो बफिंग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस्ड, तो ग्राइंडिंग व्हील जो बैलेंस किया जाता है वो किससे किया जाता है बताइए, वो अक्सर किया जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली किया जाता है, क्योंकि अगर वो इधर उधर टिल्ट हो गया तो दिक्कत होने वाली है, अच्छी ग्राइंडिंग नहीं होगी। तो IOF JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉर गेटिंग स्मूथ सरफेस इज फॉलोज, ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, बंचिंग या बफिंग, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ग्राइंडिंग ही करी जाती है, उसके बाद हॉर्निंग करी जाती है, उसके बाद बंचिंग करी जाती है, फिर बफिंग करी जाती है, इस तरीके से प्रोसेस होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए ट्रू एंड कंसनट्रिक सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील विद द व्हील स्पिंडल एक्सिस इज, तो कह रहे हैं व्हील स्पिंडल अच्छे से ग्राइंडिंग व्हील की सतह को संकेंद्रित सही बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पहिया है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील, उसको सही बनाने की प्रक्रिया होती है वो ट्रूइंग कहलाती है, बताया था ना ट्रूइंग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, घिसाई पहियों को तेज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। तो घिसाई पहिए को तेज करने की मतलब मान लो कि आपका ये हो गया, यहाँ से ये अगर ये रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ग्लेजिंग होगा, ठीक है, ग्लेजिंग होगा, और ग्लेजिंग हो जाएगा इसको रिमूव कर दोगे एब्रेसिव को, और इसी को सही करने की प्रक्रिया मान लो कि फिर दोबारा आपको निकालना है ये एब्रेसिव मटेरियल, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग बोलेंगे। तो ड्रेसिंग इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, ड्रेसिंग आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन ए ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, घिसाई के काम में कठोर सामग्री घिसाई के लिए, ऐसा चीज जेई में पूछा गया है। तो इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, तो हार्डर मटेरियल के लिए क्या यूज़ करेंगे बताइए। मैंने आपको बताया था कि हार्डर मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे वो फाइन ग्रेन साइज यूज़ करेंगे, ठीक है, फाइन ग्रेन साइज बताया था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब 20 नंबर के बाद 22 आएगा। देखिए, रनिंग व्हील ऑफ 200 मीटर डायमीटर इज हैविंग पेरिफेरल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज मोशन पर मिनट, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, बता दोगे, ठीक है, 22 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दोगे, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है नहीं बताने के लिए, तो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको तुम बताओगे कि कितना आंसर इसका निकलेगा एक्चुअल में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना प्लीज़ इसका। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इसका PDF में मैं इंक्लूड कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है, अच्छे तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या है बताइए, ए ग्राइंडिंग व्हील इज गेट्स ग्लेज ड्यू टू, तो ग्राइंडिंग व्हील जो ग्लेज होता है वो किसके कारण होता है बताइए, तो इसका ए आंसर हो वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, अपघर्षण कणों के टूटने से होता है ग्लेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर ग्राइंडिंग व्हील, तो सबसे ज़्यादा जो ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ होने वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वेट्रीफाइड बॉन्ड, मैंने आपको बताया था कि वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द ग्राइंडिंग व्हील इज कंसिडर्ड बेटर इफ़ द ग्राइंडिंग रेशियो इज, तो ग्राइंडिंग रेशियो अगर ग्राइंडिंग व्हील इज कंसिडर्ड बेटर, और बेटर है इफ़ द ग्राइंडिंग रेशियो क्या होगा बताइए, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू वेयर डी डायमीटर ऑफ एंड जॉब mm एंड n स्पीड है, तो यहाँ पे जो आपका कटिंग स्पीड क्या होगी, मैंने आपको कटिंग स्पीड का फॉर्मूला बताया था, क्या था, पैडी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट होता है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, इसी से वो न्यूमेरिकल होगा, मैंने अभी पूछा था, ठीक है, कर देना उसको, तो इतना तो कर सकते हो। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
इंडिकेटेड द अमाउंट ऑफ सुपर एब्रेसिव ग्रिट इन ग्राइंडिंग व्हील। बताइए इनमें से कौन सा अपघर्षण पहिए में सुपर एब्रेसिव ग्रिट की मात्रा को दर्शाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ग्रिट हो जाएगा। ठीक है, ग्रिट हो जाएगा आंसर। तो आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई आगे देखिए, आरआरबी जेई के क्वेश्चन है सारे ये। ए कंसंट्रेशन ऑफ 100 मीन्स कैरेट ऑफ ग्रिट पर 1 मीटर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज वॉल्यूम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि एक सांद्रता 100 होने का अर्थ है कि अपघर्षण पहिए के प्रति 1 सेंटीमीटर आयतन के ग्रिट के कितने कैरेट हैं। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, 4.4 है। ठीक है, 4.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्ले फेलिस्पार फाइन एंड फ्रिट इट इज वेरिंग ऑपरेशन। अलग अलग अनुपात में मिट्टी फेलिस्पार चमकदार पत्थर फ्लिंट और फ्रिट से मिलकर बने होते हैं। तो क्या बने होते हैं भाई, बताइए क्या आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा वट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेलिस्पार आ गया ना, फेलिस्पार आ गया, मैंने बताया था कि फेलिस्पार होगा तो वट्रीफाइड बॉन्ड में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। ए जी रेशियो वेरीज फ्रॉम इन वेरी रफ ग्राइंडिंग। तो रफ ग्राइंडिंग के लिए जी रेशियो क्या बताया था मैंने आपको, बताइए। 1.5 से लेके 0.5 तक होता है। ठीक है, ये बताया था जी रेशियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाई द लेटर ई। तो ई से क्या करते हैं, सेलेक बॉन्ड होता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, सेलेक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कॉरंडम इज कंपोज अबाउट 85% ऑफ। तो यहाँ पे 85% ऑफ कॉरंडम होगा वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होगा। आगे देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा 33 का। देखिए क्वेश्चन 33, ग्रेन साइज रेंज बिटवीन 6 to 24। तो 6 to 24 क्या होता है, बताएगा कोई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ज ग्रेन के लिए बताया था ना, 6 to 24। चलिए कर्ज ग्रेन के लिए हो जाएगा। उसके बाद 34 देखिए। 34 का आंसर क्या होने वाला है, हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिनोटेड एज ए टू जी। तो ए टू जी होता है वो किसके लिए होता है, बताइए, सॉफ्ट ग्रेड के लिए होता है। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा, सॉफ्ट ग्रेड के लिए होता है, बताया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द ऑपरेशन ऑफ विच डिनोटेड मेक पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कंसेंट्रिक विद द एक्सिस ऑफ रिकवर इज लॉस्ट पेरी शेप इज नॉन एज। तो इसको क्या कहेंगे बताओ, उसकी पेरीफेरी मतलब उसके एक्सिस को अगर वो ख़राब हो गई है तो उसको सही करने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, तो ट्रूइंग कहेंगे उसको। ठीक है, क्या बताया था, ट्रूइंग बोलेंगे। चलिए 35 हो गए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है ग्रेन साइज ग्राइंडिंग व्हील रेंजिंग बिटवीन 30 to 70। तो 30 to 70 ग्रेन साइज होगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है, मीडियम ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, मीडियम ग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 देखिए। ग्लेजिंग इन ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिक्रीज बाई, तो कैसे डिक्रीज होगी, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यूजिंग ए सॉफ्टर व्हील और बाई डिक्रीजिंग द व्हील स्पीड। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे ट्रूइंग इज प्रोसेस ऑफ। तो ट्रूइंग क्या होता है भाई, बताइए। ट्रूइंग होता है चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, मतलब ग्राइंडिंग व्हील की शेप चेंज कर रहे हो आप, उसको ट्रूइंग बोलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ओपन स्ट्रक्चर द ग्राइंडिंग व्हील। तो ओपन स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 1 से लेके 16 तक बताया था। ठीक है, 16 तक बताया था ये स्ट्रक्चर, आप ऊपर देखिएगा वीडियो और समझ में आ जाएगा। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग। तो सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है किसमें होता है, बताइए। वो कास्ट आयरन में भी होगा, सिरेमिक में होगा, सीमेंटेड कार्बाइड वो। तो ऑल ऑफ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पीएसयू वाले आ गए हैं। ठीक है, जितने भी पीएसयू में पूछे गए हैं, सेल में या एनपीसीएल में, वो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है,
ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज सी 8K5B7 ग्रेन साइज व्हील विल बी। तो ग्रेन साइज आपको पूछा गया है इसमें से, ठीक है, क्या पूछा गया भाई, ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज ऑफ द व्हील कैसे होगा वो आपको बताना है। तो देखो एवरेज से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है, ओके। तो पहले वाला अंक है नहीं, तो एब्रेसिव ग्रिट 8 नंबर का है ग्रेन साइज, ठीक है, 8 नंबर का ग्रेन साइज है, तो कर्स ग्रेन होगा, ठीक है, कर्स होगा, ठीक है, मोटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सब आए हुए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन से छाट छाट के रखे हुए हैं मैंने क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग व्हील विल हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एब्रेसिव। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव इनमें से कौन सा है बताइए भाई, हार्ड क्वेश्चन है ये थोड़े, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए, तो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव, ओके। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव के लिए डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये ए है ना इसमें, वो एब्रेसिव है, और ग्रिट 80 है, ग्रेड है के, और एब्रेसिव ग्रिट ग्रेड स्ट्रक्चर होगा 5 और बॉन्ड होगा बी, ठीक है, और 17 वो कंपनी का कुछ भी नंबर है वो है। तो डीआरडीओ में आया क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, आगे देखिए एनएफएल में पूछा गया है 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग व्हील विल हैव जिरकोनिया एब्रेसिव। तो जिरकोनिया एब्रेसिव के लिए आप सीधे सीधे जेड आया है ना, जेड ऊपर ही आया है, तो ये वाला होगा, ठीक है, Z46K5B17। क्वेश्चन क्लियर तो हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो एब्रेसिव पूछ रहा है वो सिर्फ, जिरकोनिया एब्रेसिव तो हमें मालूम है कि ए जेड है ना, वही तो जिरकोनिया होगा, बाकी सब अलग अलग हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए NPCL 2016 में पूछा गया। तो अब NPCL के जितने भी क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ मैं। ऑपरेशन डन टू मेक पेरिफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कंसिडरिंग विद इट्स एक्सिस ऑफ रिकवर इट्स लॉस। तो बहुत बार बताते हैं ट्रूइंग होगा, ठीक है, किसका क्या आंसर होगा, ट्रूइंग होगा इसका आंसर। NPCL में पूछा गया क्वेश्चन है विजाग स्टील, ठीक है, विजाग स्टील 2018 रिमूविंग द डल ग्रेन इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प इज नॉन एज, बताइए क्या होगा। डल ग्रेन है मतलब वही ग्लेजिंग होगा ना, एक मिनट रुको, ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प इज नॉन एज क्या हो जाएगा भाई, ड्रेसिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो तो ग्लेज है और ग्लेज को हम सही कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रेसिंग बोलेंगे उसको। आगे देखते हैं 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन। तो परफॉर्मेंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील किस पर डिपेंड होता है, टाइप ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इज द कटिंग एक्शन ऑफ 1000 ऑफ शार्प एब्रेसिव ग्रेन क्या बोलेंगे बताइए। तो उसको ग्राइंडिंग बोलेंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग बोलेंगे, इज द कटिंग एक्शन ऑफ 1000 ऑफ ग्रैंड शार्प ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग ग्रेन्स होते हैं, तो 1000 से भी ज़्यादा होते हैं तो उसको ग्राइंडिंग ही बोलेंगे, ठीक है। मिलिंग में तो कम ही होते हैं, ब्रोचिंग में भी कम होते हैं, ड्रिलिंग में भी कम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कटिंग ये जो किस में होते हैं, ग्राइंडिंग में ही। चलिए तो NPCL में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आगे देखते हैं, सब NPCL के चलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि ये सब NPCL के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के रखे हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग मशीन इज यूज टू ग्राइंड लॉन्ग एंड स्लेंडर सिलेंड्रिकल रॉड्स बताइए, कौन सी ग्राइंडिंग से होगा, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग से होगा, ठीक है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता दूं, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें पढ़ेंगे हॉर्निंग, ठीक है, लैपिंग और बफिंग और सुपर फिनिशिंग और आता है तो वो पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, लास्ट में वीडियो को बस लाइक कर देना है, ठीक है, और जो भी PDF पाना चाहते हैं वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक चीज़ और बता रहा हूँ अभी है, ठीक है, क्वेश्चन है अभी है, परेशान मत हो, क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन देखिए, आर यूज फॉर ग्राइंडिंग लार्ज फ्लैट सरफेस। तो लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए कौन सी ग्राइंडिंग यूज़ करी जाएगी, तो कप व्हील, ठीक है, कप व्हील्स ग्राइंडिंग है उसको, उसके लिए आपका यूज़ करेंगे यहाँ पे,
एक मिनट रुक लो, 90। ओके, लार्ज फ्लैट के लिए बोला है ना, लार्ज फ्लैट, ठीक है, लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए, तो कब व्हील ही होगा, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 50 का, देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना, वैसे मैंने क्लियर अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बताए हैं सारे, ठीक है। इन ए 32A49H8VB ग्राइंडिंग व्हील इज द ग्रिड साइज रिप्रेजेंट, तो ग्रिड साइज देखो, सबसे पहले ग्रिड साइज कैसे चेक करेंगे, ग्रिड साइज, ओके, एब्रेसिव ग्रिड 49 है, ठीक है, 49, तो 49 क्या हो जाएगा, वो ग्रिड साइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया था ना एब्रेसिव ग्रिड ग्रिड स्ट्रक्चर बॉन्ड करके, इन ग्राइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द वेरी ओपन स्ट्रक्चर, तो ओपन स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा भाई, 16 होगा, ठीक है, मैंने बताया था डेंस स्ट्रक्चर, 1 2 3 ये डेंस होते हैं ऐसे करके, और नीचे बढ़ते जाते हैं, वो ओपन होते जाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होते जाते हैं, तो NPCL में पूछा गया है 2017 में। देखिए आगे आगे देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील, तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी करते हैं, क्यूब नाइट्राइड, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ये भी करते हैं, और ऑल ऑफ एव, तो ऑल ऑफ एव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ग्राइंडिंग व्हील सेक्शन, बताइए क्या आंसर होगा इसमें से, सॉफ्ट ग्रेड फॉर सॉफ्ट मटेरियल गलत है ये, हार्ड ग्रेड फॉर हार्ड मटेरियल नहीं गलत है, हार्ड ग्रेड फॉर सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है, ये आंसर उसका हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 54 आंसर देखिए, द साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिप्रेजेंट बाई, ये आया हुआ है 2017 में, तो 54 का आंसर क्या होगा भाई, व्हील डायमीटर एक्स, थिकनेस एक्स, होल साइज, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर, देखिए सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जितने भी आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज करेक्ट, बताइए क्या आंसर होगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो आप, बहुत मज़ा आने वाला है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो 55 नंबर का, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल, वो भी बताना, तो करेक्ट कोडिंग बतानी है आपको, अगर आपने पढ़ा है पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आप करेक्ट कोडिंग बता दोगे कि कौन सी कोडिंग इसकी सही है, ठीक है। बाकी आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, तो कर सकते हो आप, वहाँ पे इसकी PDF मैं कर दूंगा, वह लेकिन टारगेट क्या रहेगा PDF के लिए, ठीक है, 2000 लाइक का, 2000 लाइक आप कर दोगे, वैसे मैं PDF इसको अपलोड कर दूंगा, उससे पहले नहीं मिलेगी, उससे पहले फिर पेमेंट पे मिलेगी, ठीक है। और आगे आगे भाई क्या करना है, आगे देखिए, ओके, आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन आपको पूरा करवा दूंगा धीरे धीरे करके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं PSU की या SSC JEE की, तो कंटेंट मैंने पूरा कराया है आपको, चाहे कितनी भी देर में हो लेकिन बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आपकी जो लास्ट वाली वीडियो रहेगी वो ये रहेगी, सॉरी नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी वो ये तीसरे नंबर की रहेगी, ठीक है, इस टाइप की होगी, और प्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे इसमें, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, होनिंग कराऊंगा, लैपिंग कराऊंगा, और बफिंग कराऊंगा, सुपर फिनिशिंग कराऊंगा, ठीक है, और भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।